हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ नवरात्रि स्पेशल साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी। ये जो साबूदाने थे ये मैंने खिचड़ी के लिए नहीं भिगोया था, ये साबूदाने के वड़े बनाने के लिए मैंने भिगोया था। बहुत ज़्यादा पानी में भिगोया था और बहुत नरम हो गया था, बिल्कुल मैश हो गया था। उस साबूदाने से बनाई हुई खिचड़ी देखिए कितनी खिली खिली है। इसके ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक देखिए दोस्तों, कहीं मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है कि ये पाव किलो साबूदाने मैंने अच्छे से धोकर भिगोकर रखा था ओवरनाइट। देखिए कितना पानी में भिगोया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा पानी में भिगोया था जिससे कि पानी बिल्कुल साबूदाने के ऊपर आ गया था। देखिए साबूदाने बिल्कुल पानी में डूब गए हैं और साबूदाने के ऊपर तक पानी आ गया है। इतना पानी में भिगोकर मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था। चलिए दिखाती हूँ कल सुबह। ये देखिए दूसरे दिन सुबह मैंने वड़े बनाने के लिए ले लिया है आधा। देख लीजिए कितना सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल देखिए कितना मैश हो रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल फूल कर पूरा मैश हो रहा है। इसमें से आधा मैंने ले लिया था वड़े बनाने के लिए और बाकी आधा अभी मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ। देखिए आधा ले लिया, बाकी आधा जो है इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं खोलकर, मतलब कि झुरझुरा कर लेते हैं, हाथ से खोल लेते हैं, थोड़ा खोल के साइड में रख देते हैं। इससे हम खिचड़ी बनाएंगे। ये देखिए मैंने कढ़ाई लिया है, लोहे की कढ़ाई है, तेल लिया है, तेल को गर्म होने देते हैं, तब तक छोटा सा काम कर लेते हैं। साबूदाने के साथ दो चम्मच, मतलब दो टेबल चम्मच जितना मूंगफली का पाउडर, ये भुना हुआ मूंगफली का पाउडर है, पहले से ही बना के रखना है। मैंने बना कर रखा था, आपको दिखाया था जो वड़े बनाने के उस वीडियो में, वो ही दो चम्मच डालकर अच्छे से कोट कर लेना है। ये काम बहुत ही ज़रूरी है, ये पहला ट्रिक है कि आपकी खिचड़ी खिली खिली बने, चिपचिपा ना बने। अच्छे से मिला के साइड में रख देना है। और यहाँ तेल गर्म हो चुका है, कढ़ाई में अच्छे से तेल को फैला लेते हैं सारे तरफ, ताकि इंस्टेंट स्टेज में जब हम साबूदाने डालेंगे तब कढ़ाई में चिपके ना। थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, एक पिंच जितना जीरा डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा सरसों डाल देंगे, एक पिंच से थोड़ा ज़्यादा। अच्छे से चटकने देना है। चटक चुके हैं अच्छे से, देखिए आपको भी समझ आ रहा होगा। थोड़ा संभाल के रहिएगा ताकि ये अपने शरीर पर ना छिटे। ये देखिए आलू रखा है मैंने काट के, छोटे छोटे पतले पतले करके, एक आलू मीडियम साइज़ का काट के रखा है, डाल देंगे। यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल देते, लेकिन अभी मैं जब खाना बना रही हूँ, मतलब कि खिचड़ी बना रही हूँ, तब मेरी बच्ची है साथ में तो उसको खांसी होगी, इसलिए अभी मैं नहीं डालने वाली, मैं बाद में डालूँगी। पहले आलू को फ्राई कर लेते हैं। अच्छा सा फ्राई करना है, मतलब कि पूरा गला लेना है यहाँ 100% तक। देखिए गल चुका है, मैं मुझे देखकर समझ आ रहा है, आपको एक बार दिखा देती हूँ चम्मच से दबा के। एक्चुअली मेरी कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से गल चुका है, अभी समझ आ रहा होगा। 100% तक आलू गल चुका है, क्योंकि हमने पतले पतले काटा था तो गलने के लिए इतना ज़्यादा समय नहीं लगता है। अभी मैं ये हरी मिर्च डाल देती हूँ, और हरी मिर्च डालकर संग संग तुरंत ही इसको चलाकर हम डाल देंगे यह जो साबूदाने रखा था पीनट पाउडर कोट करके, उसको डाल देंगे। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, डाल देते हैं और अच्छे से चला के मिला लेते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद स्वाद के हिसाब से नमक लेंगे और हाथ में थोड़ा थोड़ा लेकर ऊपर से छिड़क देंगे। यह नमक सेंधा नमक या तो खाने वाला नमक, जो भी आप खाते हैं व्रत में वही लें, कोई भी नहीं खाते तो कोई भी ना ले, थोड़ा थोड़ा ऊपर से ऐसे छिड़कते रहेंगे। देखिए साबूदाने बहुत ही ट्रांसपेरेंट दिखने लग चुका है, मतलब कि स्वच्छ दिखने लग चुका है। अब हम 3-4 चम्मच और पीनट पाउडर डाल देंगे, ये रोस्टेड पीनट पाउडर है जो कि मैंने पहले भी डाला था। अच्छे से मिला लेंगे। मिलाते मिलाते थोड़ी देर में साबूदाने और भी ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाएंगे। देखिए और भी ट्रांसपेरेंट हो चुका है, मतलब कि ये पक चुका है पूरा। अभी निकालने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश कटा हरा धनिया डाल देंगे, अगर आप नहीं खाते हैं तो ना डालें। ये भी मिला लेते हैं और हमारी खिचड़ी बिल्कुल तैयार है।
यहाँ पर मैं आपको दूसरी ट्रिक बता देती हूँ कि साबुदाने खिली खिली बने उसकी दूसरी ट्रिक ये है कि आपको कढ़ाई को नॉनस्टिक करना है, मतलब कि या तो नॉनस्टिक कढ़ाई ले, नहीं तो अगर नॉर्मल कढ़ाई ले रहे हैं तो उसको नॉनस्टिक करने के लिए बिल्कुल धुएँदार गरम करें, तेल डालने के बाद धुएँदार गरम करें, उसके बाद ठंडा करके फिर इसका प्रोसेसिंग शुरू करें। देखिए कितनी खिली खिली है, बिल्कुल खिली खिली। आपको पता है कितना पानी में भिगोया था, और अभी देखिए साबुदाने कितनी खिली खिली है, एक के साथ एक बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। हमारी खिचड़ी बिल्कुल तैयार है, अब हम चलते हैं सर्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, देखकर पता चल रहा है कि नहीं कि कितनी अच्छी बनी है, और अगर आप बनाएंगे ना ऐसे आपको खुद पता चलेगा कि कितनी सॉफ्ट है साबुदाने, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल नरम और मुंह में घुल जाने वाले साबुदाने हैं, लेकिन इतने खिले खिले, एक के साथ एक बिल्कुल नहीं चिपकता। देखिए, और आप ऐसा मत सोचिए कि किसी भी हालत में ये कड़क है, क्योंकि साबुदाने ज़्यादा खिली खिली करने के चक्कर में बहुत समय क्या होता है, साबुदाने कड़क रह जाते हैं, सख्त रह जाते हैं। ये देखिए मैं एक हाथ से दबाकर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है और अंदर तक पका हुआ है, ये तो आपको समझ आ रहा ही होगा क्योंकि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो चुका है। देखिए मैं हाथ से दबा दबा कर दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट है, कितना सॉफ्ट साबुदाना है, इससे ज़्यादा साबुदाना सॉफ्ट हो ही नहीं सकता, फिर भी खिचड़ी इतनी खिली खिली है। आप सिर्फ मेरी ये दो ट्रिक फॉलो करेंगे ना तो आपकी खिचड़ी भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, इतनी खिली खिली बनेगी। और कोई भी ट्रिक, कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहाँ तक ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहे, स्वस्थ रहे, खाते रहे और नवरात्रि एंजॉय करें। बाय बाय।